जितनी भी ताज़ी आप देख सकते हैं, सब के सब पानी में जो है भीग गई हैं और लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बहुत लोग वापस जा चुके हैं। बारिश का ये हो रही थी अभी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। मैं हूं मोहम्मद अहमद, आप देख रहे हैं सिद्दीकी ब्लॉग 01। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम इस समय जो है मवई गांव के अंदर मौजूद हैं और मवई गांव के अंदर आप जो चहलुम यहां पे लगता है, वो चहलुम आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। चहलुम की तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं। यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए हम बारिश में भीग चुके हैं और अभी हम यहाँ से जाएँगे और पूरा नज़ारा यहाँ पर जो चीज़ है हम आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखाएँगे। तो गाइस चलिए यहाँ से चलते हैं और आपको यहाँ का चहलुम दिखाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए ताजिया यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी ताजिया यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए गाइस, पानी बहुत तेज़ बरसा और सारी ताजियाँ यहाँ पर भीगी हुई हैं, पूरी ताजिया भीग चुकी हैं। ये देखिए और यहाँ पर लोग किस तरह यहाँ पर ताजिया देख रहे हैं। ये देखिए, चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे दिखाते हैं। ये ताज़िया आप लोग देख सकते हैं, कितनी बड़ी ताज़िया है ये देखिए, और इसके ऊपर फूल लगा हुआ है। और ये देखिए लोग कितने नीचे यहाँ पर दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक ताज़िया यही रखी हुई है और इसी के जस्ट सामने एक ताज़िया बहुत ही बड़ी यहाँ पर सामने दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर लोग तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस समय बारिश बहुत तेज़ हुई है, इसलिए यहाँ पर लोग नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये बारिश की वजह से लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बहुत लोग वापस जा चुके हैं। बारिश का जो इतना तेज़ बारिश होती है, हो रही थी अभी। ये देखिए गाइस, ये ताज़िया सबसे आगे यहाँ पर है
ये अलता जी आप जो देख रहे हैं आपकी नज़रों के सामने जो ताज़िया दिख रही है, ये ताज़िया सबसे आगे यहाँ पर इस समय मौजूद है और यहीं पर नोहा पड़ा जा रहा है जिसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल आगे आ चुके हैं और आप नज़ारा ले रहे हैं ताज़िया का जो सामने दिख रही है। और एक ताज़िया अभी अंदर भी रखी हुई है जिसकी आप देख सकते हैं, उधर रखी एक ताज़िया और है और पब्लिक देख सकते हैं आप लोग किस तरह यहाँ से लोग देख रहे हैं, ये देखिए। और ये बारिश हुई है इसलिए पब्लिक यहाँ पर इस समय कम दिख रही है, लेकिन पब्लिक यहाँ पर बहुत होती है। पलक से खून बरसता है या रसूल अल्लाह, ये कौन बोल को जाता है या रसूल अल्लाह, लहू से जिस को अलीम तो जाने से जाता, लहू से जिस को अलीम तो जाने से जाता, लहू से जिस को अलीम तो जाने से رسول اللہ یہ کون بھو کو جاتا ہے یا رسول اللہ, چمن وہ آج اجڑتا ہے یا رسول اللہ, یہ کون بھو کو جاتا ہے یا رسول اللہ, اسی کے ہاتھ میں خنجر ہے اور نوازے ہیں, اسی کے ہاتھ میں خنجر ہے اور نوازے ہیں, اسی کے ہاتھ میں خنجر ہے اور نوازے ہیں, اسی کے یا رسول اللہ, جو کلمہ آپ کا پڑھتا ہے یا رسول اللہ, یہ کون کوفہ کو جاتا ہے یا رسول اللہ, زمین پہ اہل حرم تڑپ رہے ہیں دہکتی, زمین پہ اہل حرم تڑپ رہے ہیں دہکتی, زمین پہ اہل حرم تڑپ رہے ہیں دہکتی, زمین پہ صدا کوئی نہیں سنتا ہے یا رسول اللہ, ہے یا رسول اللہ, نے چوما یہ پاس ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم واپس چل رہے ہیں یہاں پہ جتنی بھی تازیاں یہاں پہ ہم لوگ جو ہے دیکھی اور آپ لوگوں کو یہاں پہ ہم نے دکھا دی جتنی بھی تازیاں یہاں پر جا رہی ہیں, اور یہاں پر تو بارش جو ہوئی ہے تو پورا کا پورا یہاں پر معاملہ خراب ہو چکا ہے, یہ دیکھیے جتنی بھی تازیاں آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے سب پانی میں جو ہے بھیگ گئی ہیں, اور لوگ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں بٹ یہاں پر پانی اتنا برسا ہے کہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں پانی کی وجہ سے, اور بہت سے لوگ ٹکے ہوئے بھی ہیں کیونکہ تازیہ وہ دیکھ رہے ہیں. اور ابھی ہم نے جو آپ کو نوحہ بھی سنایا ہے جو ابھی یہاں پہ چل رہا تھا,
यहाँ पर नोहा वगैरह भी चल रहा था, हमने वो भी आपको दिखाया है और यहाँ से हम वापस चल रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम वहाँ भी बाहर निकल रहे हैं इस मेले से।